बोलते हैं, ये देखिए धान बीन रही हैं पूनम, यहाँ पर धान बीन रही हैं। और अभी के टाइम में आ गया हूँ जंगल में, बैठा हुआ हूँ जंगल में बैठ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, आशा करते होंगे मस्त होंगे। गाइस तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से, अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अभी के टाइम में सुबह के टाइम उठकर काम वाम करके वीडियो अपलोड करके अभी आया हूँ और स्नान स्नान कर लिया हूँ। और नहाने के बाद अब जाएंगे खेतों में अपने काम करने, खेत में काम करने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर धान कटाया जाएगा आज के दिन, और उसके बाद धान काटने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। सो वीडियो में बने रहिए और आगे चलते हैं। और मम्मी पहले से ही जा चुकी है और खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए क्या हो। सो आ गया हूँ, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं सुबह के टाइम से। उसके बाद चलना है, काम करना है। आज मेरे खेत में धान कटाएगा, थ्रेसर से कटाया जाएगा धान को, और पीटना नहीं है, कटाया जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। और 7-8 दिन हो गया धान कटे हुए, तो आज चलते हैं कुछ खा लेते हो लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर चाबी होगा हमारे यहाँ का घर का, यहाँ का चाबी, ताला खोलेंगे। बना है फारा बना है, तो ये तला गया है ये, तो 2-4 खा लेते हैं, 3। ओके सीधा चलते हैं अपने खेत में, खेत में काम करना है। थ्रेसर से काटा जाएगा धान को। आज मेरा 37वां ब्लॉग है, 37 दिन पूरे हो गए लगातार मैंने वीडियो बना रहा हूँ। अभी के टाइम में आ गया हूँ जंगल में, बैठा हुआ हूँ जंगल में। बैठने के बाद यहाँ पर थोड़ी सा हवा हवा ले रहा हूँ। और हमारा खेत जंगल के, ये जंगल है वो वाला जो नींब लग दिख रहा है आपको, वो नींब के बगल ही है, वही टाइप खेत हमारा है। और हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं क्योंकि अभी ट्रैक्टर आया नहीं है थ्रेसर के साथ। अभी देखते हैं कितने टाइम पर आ जाता है, उसके बाद धान को काटने लगेंगे हम लोग। तो सो इसके बाद चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी हवा हल्का सा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा, थोड़ी सा बह रहा है बस। और थोड़ी सा देखिए हवा जैसे हिल रही है, इतनी स्लो हवा चल रही है, थोड़ा हवा आ रहा है इसीलिए बैठे हुए हैं। तो देखिए ये जंगल है, यहाँ पर ये सारा जंगल है और यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी दोस्त से अपने बात कर रहे थे, तो दोस्त से बात करने के बाद फ़ोन कट किए, उसके बाद शूट किए। अभी के टाइम में आ गया हूँ अपने खेतों में, और खेतों के साइड देखिए सब इस खेत में था बाल उल सब, यहाँ पर बाल था वो वाला हमारा खेत है। वहाँ से उठकर उस साइड वो वाला जो दिख रहा है वो वाला वहाँ पर चला गया है। यहाँ से 1 गट्ठर 2 गट्ठर 3 गट्ठर 4 गट्ठर, और यहाँ पर अभी बीना जाएगा तो 1 4 5 6 गट्ठर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 6 गट्ठर हो जाएंगे। तो अभी के टाइम यहाँ पर हम लोग हैं, और यहाँ पर से देखिए ये जंगल है, ये जंगल है, जंगल से यहाँ पर अंदर जाया जाता है। यहाँ से नदी भी है, बगल नदी है, क्या बोलते हैं, ये देखिए धान बीन रही हैं पूनम, यहाँ पर धान बीन रही हैं, ये देखिए पूनम धान बीन रही, ये सब लोग धान बीन रहे हैं। और सो हम भी जब छोटे थे तो हम भी छोटे थे तो बाल उल बीना करते थे, दूसरे के गांव में जाया करते थे बाल बीनने के लिए, यहाँ से काफ़ी दूर जाया करते थे। मेरे को याद है जब मैं हसुआ से एक जगह कैंपेन से धान कटा था, वहाँ पर गए थे तो बहुत सारे बीने थे, तो वहीं पर बहुत सारा पैसा मिला था, 100-150 रुपया। और उसके बाद ये भी आजकल के बच्चे लोग अपने ही घर पे बीना करते हैं। हम थ्रेसर का इंतज़ार करते 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 काफ़ी टाइम हो गया, मैं सो गया, पल्ली लाए थे घर पे तो वहीं पे सो गया। और उसके बाद मम्मी से कहा कि मम्मी जुआ हेरो हमारे बाल में, देखिए बहुत सारे जुए हैं। तो मम्मी हेरने लगी जुआ को, तो मैं सो गया धीरे धीरे, जुआ हेरवाते हेरवाते सो गया। और उसके बाद माँ के पैर पर सोना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जब जुआ हेर रही हो माँ तब। देखिए मम्मी से जुआ हेरवा रहे थे हम लोग, और नींद आ गई थी, सोए थे तब से जुआ वो हेरवा रहे थे। अभी
1 बजे सोए थे, 1 घंटा सो गए यहीं पर, रात में एडिटिंग करते हैं इसीलिए सो गए थे यहीं पल्ली बिछा कर। और अभी ट्रैक्टर वाला आज नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दूसरे खेत को, धान को बांध देंगे, उसके बाद वो भी कट जाएगा कल के टाइम, शाम के टाइम वो भी कट जाएगा। सुबह के टाइम सुबह सुबह एकदम आना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो आज नहीं पढ़ने गए हैं, कल भी नहीं पढ़ने जाएंगे। सो मम्मी यहीं पर रहे हैं, देखिए मम्मी यहाँ पर बैठी हैं, और उसके बाद चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है। जाना पड़ेगा दवा कराने मम्मी को, अभी अमानीगंज जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए पैसा निकालने के लिए आए हैं मार्केट में, अब दवा कराने के लिए आए हैं मम्मी मम्मी को, तो पैसा निकाल लेते हैं। सो पैसा वैसा निकाल लेते हैं, अभी के टाइम देखिए HDFC बैंक में आए हुए। का 74 सेकेंड में पैसा निकल जाएगा, इसके बाद निकाल कर मम्मी को देना है। गाइस देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मम्मी दवा करा रही है उस साइड जाकर, और अब मैं यहाँ पर हूँ बैठे हुए, और देखिए वहाँ पे दवा कराई रही है। उसके बाद दवा कराने के बाद अभी पैसा निकाली ही हैं, और निकालने के बाद हम सीधा चले जाएंगे घर पे। घर पे जाने के बाद और सारे काम देखना है क्या क्या होता है। सो मेरी मम्मी अवधि में बात कर रही है डॉक्टर साहब से, तो देखिए डॉक्टर साहब अवधि में भी बात कर रहे हैं, दवा कराने के लिए आए थे। तो लोगों ने देखा ही होगा कि मैं मार्केट से मम्मी को दवा कराने के बाद मैं सीधा आ गया, सब्जी उब्जी लेकर यहाँ पर आके पढ़ने लगा, थोड़ा रात हो गई थी। तो यही है, 10 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं हम, इसी से पढ़ते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आती है, थोड़ी मोड़ी पढ़ लेते हैं, जो हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रैक्टर का इंतज़ार किया कि आ जाएगा, अब आएगा अब आएगा, फ़ोन लगाते रहे बट नहीं आया। लास्ट में हम लोगों को ऐसे ही आना पड़ा। देखते हैं सुबह में कट पाता है कि नहीं, कि 10 बजे तक कटता है, तो कट जाएगा तो मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो दूर जा नहीं पा रहा हूँ कहीं बनाने के लिए, और काम में ही व्यस्त रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरे का सहारा है, खुद का ट्रैक्टर है ही नहीं है कि काट सकें, इतना पैसा नहीं है भाई लोग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्दी से मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा बाय बाय।